नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार टाइम, सच के साथ एक कदम। कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में महामारी का रूप ले चुका है। इस आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से सहयोग और सतर्कता की बात की है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए सहयोग आम जनता से अपील की है। लेकिन आज सुबह ऐसा वाक्य देखने को मिला, दिल्ली नंद नगरी क्षेत्र में राशन के लिए जनता कतार में देखी जा सकती है, जो कि सोशल डिस्टेंस का किसी न किसी रूप में उल्लंघन है। अगर देश की जनता सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेगी तो स्थिति भयानक हो सकती है। नंद नगरी में सोशल डिस्टेंस को ताक पर रखकर आज सुबह राशन की दुकान खुलने से पहले जिस तरीके से लोग इकट्ठे हुए, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह कितने बजे से लगी होगी ये जी? 1 बजे से लाइन लग रही है। तो कितने बजे से लाइन लगी? 1 बजे से लाइन लग रही है। रात 1 बजे से? रात को 1 बजे। किस लिए लगी लाइन? राशन के लिए। तो ये राशन दे रहे हैं या बीमारी फैलवा रहे हैं? बीमारी फैलवा रहे हैं, इन्हें टोकन बांट देना चाहिए था। मतलब ये जो राशन जो मिल रहा है, कितना कितना मिल रहा है? 6 किलो गेहूँ मिल रहे हैं जी, 1.5 किलो चावल मिल रहे हैं। उससे ज्यादा तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इतनी लंबी लाइन लगी है, वहाँ तक काफी दूर तक लगी है। अभी आप अंदाजा लगाइए, 1 बजे से लाइन लग रही है, तो आदमी अब सुबह के 9:30 रात 1 बजे से जी, रात 1 बजे से 9:30 बजे से बस तक कहाँ तक लाइन पहुँच गई है। इन्हें सुबह 8 बजे टोकन बांट देने चाहिए थे, बाकियों को घर भेज देना चाहिए था। लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से तो लोग काफी परेशान हो रहे होंगे, सोए नहीं होंगे, एक दूसरे से सटे पड़े हैं, क्या करें? बिल्कुल चिपके पड़े हैं। देखो कितनी लंबी लाइन है, ये वहाँ तक काफी दूर तक लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है। इससे तो ये लॉकडाउन का क्या फायदा है? इससे तो जो है ना, एक बीमारी को और पैदा करने वाली बात है। और इनमें से कोई भी एक भी व्यक्ति है कोरोना का चपेट में आ गया तो ये सारे के सारे बिल्कुल पूरी तरीके से बीमार हो जाएंगे। अब सरकार ये जो है ना लॉकडाउन करवा रही है या इनको राशन दे के बीमारी फैलवा रही है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ये कितने दिन से चल रहा है? ये 3 दिन से चल रहा है, यही हाल दिन है। अच्छा, लेकिन यही हाल हो रहा है 3 दिन से लगातार। लेकिन इसको जो आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी भीड़ के लिए? मतलब दिल्ली सरकार अपने वॉलंटियर खड़े करे और वॉलंटियर जो है डिस्पेंस बनाए, थोड़ा सा गैप बनाए। या जैसे ये राशन जो इस तरीके से दे रहे हैं, घर घर अगर पहुंचवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उससे क्या है कि ये अपने घर में भी रहें और बीमारी से बचें। हर किसी को राशन चाहिए, घर घर पहुँचा देते तो ज़्यादा सही। आपकी क्या राय है इसमें? गवर्नमेंट की तरफ से तो मतलब ये अलाव था, मतलब भैया कोई भी जो है हेल्पर मिल सकता था इन्हें, एक दो जो गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरीके से जैसे भीड़ का जो माहौल है, इस तरीके से जो महिलाएं जो रात में, एक बार सुनिए, इस तरीके से जैसे महिलाएं या पुरुष जो घर में से रात में निकले हुए हैं और ये जो इस तरीके का जो माहौल बना है, क्योंकि एक से एक चिपके हुए लगे हैं, तो इससे तो ये जाहिर होता है कि हम जो है ना एक जो है ना राशन देकर और इनको बुलाकर भीड़ इकट्ठा करना और आज एक ज़्यादा मुसीबत खड़ी करना। तो इसका हम एक ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि ये यहाँ ना देकर
क्या यही चीज पैकेज बना बना कर घर घर पहुंचा दीजिए तो कैसा रहे? वो ज्यादा या फिर ऐसा है अपने हेल्प खड़े करके जो भी आ रहे टोकन लो गई और राशन बाद में मिलता रहेगा, पूरे दिन बात है या कैसे भी करें, मतलब भीड़ इकट्ठी नहीं होगी इससे। तो भीड़ इकट्ठी यहाँ से तो मेला सा लगा हुआ है, देखिए जो दिल्ली पुलिस का भी एक जवान है वो अलग अलग कर रहे हैं लेकिन उससे कोई यहाँ पर कोई वो नहीं है। और किस तरीके से लोग ये सड़कों पर गलियों में उतरे हुए हैं, किस तरीके से उतरे हुए हैं कि काफ़ी भीड़ है, ये देखिए बहुत सारी भीड़ है जिससे जो राशन की लाइन लगी हुई है, अब लोग किस तरीके से घरों से बाहर आकर ये देख रहे हैं। इससे हो सकता है कि आने वाले समय पे ये जो लाइन तो लंबी रहेगी रहेगी लेकिन हो सकता है कि ये लोकल से जो एरिया है नन्नगरी क्षेत्र है और ये घर घर जो राशन कार्ड बांटने का सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो है कि भाई राशन 71 लाख लोगों को फ्री दिया जाएगा, लेकिन फ्री देने का मतलब ये है कि फ्री बीमारी और बांट दी जा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है, हजारों की संख्या में, और सुबह 1-1 बजे से लोग खड़े हुए हैं, ये राशन ना देकर ये बीमारियों लगे हुए हैं, रात को 1-1 बजे से लगे हुए हैं, लेकिन इस तरीके से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। देखिए कितनी लंबी लाइन होगी, देखते रहिए, देखिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, ये राशन इस तरीके से जो बट रहा है क्या ये अच्छा है? क्या होना चाहिए, मतलब इस तरीके से ये बीमारी को पहुंचवा रहे हैं या राशन दिलवा रहे हैं आप लोग के लिए? देखिए डिफरेंस कुछ है नहीं, एक दूसरे से लोग चिपटे खड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल करीब ही खड़े हुए हैं इस तरीके से, और लंबी लाइन लगी हुई काफी, ऐसा लग रहा है इतनी कभी लाइन होती नहीं थी। हजारों की संख्या में भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग दूर कह रहा, डिफरेंस देने के लिए डिफरेंस क्या है? ये लोग कब से खड़े हुए हैं ये बताएं, 12 बजे से कितने कितने बजे से? 12 बजे 3 बजे। अच्छा जी, तो इसका मतलब राशन के लिए सोए नहीं है। एक आप एक बताइए कि एक राशन कितना मिल रहा है? राशन 7.5 किलो मिल रहा है। 7.5 किलो क्या मिल रहा है? और 1.5 किलो चावल, 7.5 किलो गेहूं और चावल कितने रुपए के हो गए? अगर मान लो अनुमान लगाइए, अगर हम वैसे खरीदते हैं तो कितने रुपए के हो गए? कितने के ज़्यादा जाता है? 100 रुपये के हो गए मान लीजिए, लेकिन 100 रुपये के चक्कर में अगर हो सकता है इस बीच में किसी को कोई भी अगर कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी, तो कितने लोग बीमार होंगे? सरकार किस तरीके से ये जो है ना राशन देकर भी लोगों को बीमारियों का वो दे रही है कि बढ़ावा दे रही है, कि लॉकडाउन करने का क्या फ़ायदा हुआ? लॉकडाउन कर रहे हैं या मतलब बीमारियाँ फैला रहे हैं? तो आप लोग इसमें क्या कहना चाहेंगे? बीमारी फैल रही और क्या? ये राशन जो है ना इस तरीके से मिलना चाहिए या नहीं, या मतलब जो है ना घर घर पहुंचवाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर मिलता है तो क्या समस्या का? बाद में सारी की सारी डिटेल है, हाँ तो घर घर पहुँचा, घर घर बैठा रहेगा, जिसका घर घर देना चाहिए, लाइन में लगा कर बीमारी बढ़ाई रहे, बीमारी बढ़ा रहे, बीमारी बढ़ा रहे, घर घर पहुँचाए तो ठीक है। क्या क्या कहा आपने? घर घर राशन पहुँचाए तो बढ़िया है, तो वही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि घर घर पहुँचने से ये कि भाई लोग अपने घरों में रहेंगे, सूखा बनाएंगे, खाएंगे अपना, जो रहेगा है ना लॉकडाउन रहेगा, ये तो लॉकडाउन की तो सरकार खुद ही धज्जियाँ उड़वा रही है। देखिए दिल्ली के अंदर देखिए कितना बुरा माहौल हो रखा है, कितना बुरा माहौल है, देखिए वहाँ तक लंबी लाइनें चली गई, कम से कम लोग जो है ना परेशान है बहुत, किस तरीके से परेशान है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी लाइनों में लगे हुए हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे बच्चे भी लाइनों में लगे हुए हैं, 2-2 बजे के लगे हैं, 2-2 बजे, कोई कह रहा है मैं 2 बजे से लगा हूँ, कोई कह रहा है मैं 1 बजे से लगा हूँ, कोई कह रहा है मैं 12 बजे से लगा हूँ, अब इस तरीके से लोग लगे हुए हैं। ये बताओ कि आप इस तरीके से खड़े हैं ये राशन ले रहे हैं या बीमारियों को जो बीमारी का बढ़ावा मिलेगा इससे? बीमारी से बढ़ावा मिलेगा और क्या? तो आप कितने बजे से खड़े हैं? लोग अच्छा, लोग बता रहे, लोग बता रहे हैं कोई 12 बजे से खड़ा है, कोई 1-4 बजे से खड़ा है, 5 बजे से खड़े हैं। बताओ ये बहन जी बता रही है मैं 5 बजे से खड़ी हूँ, ये बता रहे कोई कह रहा है, लेकिन बताइए किस तरीके से परेशान हो रहे हैं लोग, लोगों को किस तरीके से रोडों पे परेशान किया जा रहा है, हैं? घर में राशन भेजना चाहिए जबकि राशन आपको ये जो यहाँ पर मिलना चाहिए ये कहाँ पर मिलना चाहिए? घर पे मिलना चाहिए, घर पे मिलना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का फायदा ही जब होगा कि जब आपके घर पर जो सुविधा मिलेगी सरकार अगर दे रही है, लेकिन ये जो राशन कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको? गेहूं चावल, गेहूं चावल बस खाली,
तो नंबर दिए जाएंगे ना, राशन मिलने का तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि राशन पता नहीं कब तक मिलेगा। अभी तो बता रहे हैं कि अभी 10 बजे इनको नंबर दिए जाएंगे, और लेकिन लोग खड़े हुए हैं जो है ना यहाँ पर घर घर पूछा रहे हैं लाइन लगी बड़ी है, लोगों को कहते क्यों नहीं है। बोलिए बताइए बताइए केजरीवाल जी, आप कहना चाह रहे थे घर घर लाइन लगा, घर घर पूछाएंगे यहाँ लाइन लग रही है, लोग मरेंगे नहीं और जिएंगे भी यहाँ पर। ये 500 आदमी खड़े हैं यहाँ पर, होल्ड करें एक मिनट, 500 से नहीं, 500 से ज्यादा लाइन, ये तो भीड़ लग रही है, हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है बता रहे हैं। ये कोरोना नहीं है, कोरोना का बाप आ गया। और दूसरा ये तो नई कहानी बना के सरकार ने तैयार कर दी आप लोगों के सामने, और डिफरेंस वाले मजे मार रहे बैठे वहाँ पर। इस जो है कोरोना के चलते कि मतलब इस बीच में अगर कोई किसी के लिए भी कोई भी छींक आती है कुछ होता है तो वैसे कह रहे हैं बचाव करो बचाव करो बचाव, काय का करें तो इस काय का बचाव होएगा, ये कोई बचाव ही नहीं हो रहा है। लोग परेशान हजारों लोग परेशान है इस राशन के लिए, हजारों की संख्या में लोग परेशान है, देखते रहे पूरा जमा बाड़ा लगा हुआ है। नमस्ते। ये पूर्वी दिल्ली नंदनगरी है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग परेशान है। देख सकती सरकार की आंखें कैसे खुलनी चाहिए, सरकार इस पर क्या करेगी, क्या एक्शन लेगी कि ये राशन दे रहे हैं या बीमारियों को पहुंचा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, एक से एक छिपके हुए पड़े हैं, छिपके हुए खड़े हैं लोग जो है ना यहाँ। देखिए कितना बुरा हाल है, क्या लॉकडाउन का क्या फायदा, देखिए किस तरीके से लोग खड़े हुए, देखो कैसा बुरा हाल है यहाँ पर। देखिए कोई भी सुरक्षा नहीं, कोई भी कुछ नहीं, जनता मरे जिए कुछ भी हो, सरकारें अपने कानों में तेल डाल के सो रही हैं। देखिए किस तरीके से बुरा हाल है, देखो क्या है, देखो कितना बुरा हाल है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।